अगले 24 घंटे इन राज्यों पर आंधी तूफान की भारी चेतावनी। कोरोना संकट के बीच बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के कुछ राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। स्काईमेट ने राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान बताया है। तो वहीं उसने कहा कि अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठा वाड़ा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ तेज बौछारें गिर सकती है। जबकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली NCR समेत बागपत, बुलंदशहर, मध्य पूर्व, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलेगी और गर्ज के साथ बारिश होगी। इससे फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, हापुड़, जजौर, मेहरौत, रोहतक, सादरा, सोनीपत आदि प्रभावित होंगे। जबकि गुजरात, दक्षिण राजस्थान, कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसकी वजह से यहां जोरदार बारिश हो सकती है। तो वहीं इन जगहों पर आंधी पानी का सिलसिला अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। राजस्थान में आ सकती है धूल भरी आंधी। तो वहीं राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 21 अप्रैल को राजस्थान में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 22 अप्रैल से फिर मौसम बदलेगा और 22 से 25 अप्रैल के बीच एक बार फिर राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मालूम हो कि ये बेमौसम बरसात किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी तरह अन्य ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए द एफ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास दिए गए बेल आइकन के बटन को।